हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीताज केक्स एंड मोर। तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इको फ्रेंडली गणेश जी। और आपको मूर्ति लेने के लिए बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही बनाएंगे घर के ही सामान से गणेश जी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक कप आटा लिया है और इसे एक कप आटे में करीब 1 से 1.5 चम्मच हल्दी मिलाऊंगी, जिससे इसका रंग हम हल्दी से लेंगे और ये पीले रंग का हमारा आटा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक आधा कप आटा और लिया है, जिसमें मैं रोली मिलाऊंगी और ये लाल रंग का हमारा आटा तैयार होगा। एक चीज़ कॉमन है, मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, जिससे कि जब हम इसे दोनों आटों में मिलाएंगे तो कोई चींटी या कोई इंसेक्ट इसको खाए नहीं। बेकिंग पाउडर और नमक का बस इतना ही रोल है। इसमें हमारा एक मेजर इंग्रेडिएंट है और वो है हमारा सरसों का तेल। मैं इस आटे में हल्दी और बेकिंग पाउडर नमक मिलाकर इसे सरसों के तेल से गूंदूंगी। देखिए, मैंने आपके लिए दो आटे पहले से ही तैयार करके रखे हैं। ये मेरा रोली से गूंदा हुआ आटा है, देखिए आप इसकी चमक से देख सकते हैं कि ये सरसों के तेल से गूंदा हुआ है। और एक मैंने हल्दी का आटा बना के रखा है, ये देखिए आप दोनों आटों को देख के समझ सकते हैं इनकी चमक से कि ये सरसों के तेल में गूंदे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना। ये देखिए मेरा हल्दी वाला आटा, हमारे घरों में हल्दी और रोली तो आसानी से मिल ही जाती है, तो चलिए हम इससे शुरू करते हैं। एक आटा इसमें से मैं सिर के लिए ले रही हूँ, एक बॉडी के लिए गणेश जी की, और दो छोटे आटे मैं ले रही हूँ हाथ के लिए, और उससे भी दो छोटे आटे कान के लिए, और एक छोटा सा आटा भगवान जी के पैर दिखाने के लिए। और ये आटा अभी आप रखिए, मैं आपको बताऊंगी कि हम इनका क्या करेंगे। ये देखिए, जैसे हम नॉर्मल एक सर्कल बनाते हैं, एक पेड़ा बनाते हैं, बस वैसे ही हमने इसे अच्छे से एक गोला बनाना है। ये देखिए, आप हमारे गणेश जी का ये तैयार होना शुरू हो गया है। आप इसे अच्छे से दबा के बनाएं, क्योंकि यह पानी से नहीं गूंदा है तो इसको थोड़ा सा समय लगता है अच्छा शेप आने में। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं हटा रही हूँ इसे। अब जैसे हम ये इन्हें तैयार कर लेंगे तो हल्के पानी के हाथ से इन्हें हम लगाते जाएंगे। देखिए, ये हम भगवान का हाथ बनाने जा रहे हैं, और ऐसे ही मैं दोनों हाथ बना के तैयार कर लूँगी। भगवान जी के एक हाथ में मोदक होता है और एक हाथ उनका आशीर्वाद देता है। ये मैं उनके कान भी बना रही हूँ। देखिए, ये गणेश जी के कान तैयार हो रहे हैं। देखिए, ये हमारे गणेश जी के पेट के ऊपर हमने ये लगा दिया है, और ये हमने कान बनाए हैं। मैं प्रेफर करती हूँ हल्का सा पानी का हाथ लगा करके इसको आपस में चिपकाना। ये हमारे कान बने हैं गणेश जी के। देखिए, ये हमारे गणेश जी के हाथ बन गए हैं,
और मैं इन्हें कानों के साथ चिपका रही हूँ। ये मैंने भगवान जी के पैर बना लिए। आप अपनी लाल वाली रोली वाले आटे से बनाएं और देखिए बस अब हम इन्हें लगाते जाएंगे। मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी पूजा की थाली में ही इन्हें बनाऊं। मैं पिछले 2 साल से ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाती आ रही हूँ। देखिए गणेश जी के हाथ लग गए, क्योंकि ये आटा है तो अभी हम इसे 5 मिनट फ्रिज में रख सकते हैं जिससे ठंडा हो जाए। देखिए भगवान जी की सूंड बना रही हूँ मैं, अभी थोड़ी छोटी करनी रहेगी। देखिए भगवान जी की सूंड भी बन गई है। आप इसे थोड़ा सा पानी की मदद से ठीक कर सकते हैं। थोड़े से चेंजेस आप अपनी हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं अब भगवान जी का मुकुट बना रही हूँ। और ये छोटा सा उनका मोदक। अभी हम भगवान जी का चूहा भी बनाएंगे। और ये हमारे इको फ्रेंडली गणेश जी बनकर तैयार होते जा रहे हैं। आप अपने घर में किसी पॉट में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली हैं तो किसी भी तरह की से हमारे नुकसान नहीं होता। और क्योंकि ये इको फ्रेंडली है तो हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। अब हम भगवान जी के लिए एक प्रसाद की थाली भी मैं इन्हीं से बना रही हूँ। देखिए ये मेरी थाली भी बन के तैयार हो रही है, क्योंकि हम सारा कुछ इको फ्रेंडली रख रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये हमारे मोदक भी तैयार हो गए हैं। बस अब हम भगवान जी का एक छोटा सा चूहा बनाएंगे। देखिए हमारा गणेश जी का चूहा और उनके भोग की थाली। देखिए हमारे गणेश जी भी तैयार हो गए हैं और उनकी भोग की थाली और चूहा भी तैयार हो गया है। तो लीजिए, तैयार हो गए हमारे इको फ्रेंडली गणेश जी। और आपको इनके विसर्जन के लिए भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के किसी एक गमले में ही इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो और आज की ये वीडियो भी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।